में मिली प्रचंड जीत के बाद दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शाह और नड्डा समेत कई दिग्गज नेता शामिल रहे। साथ ही कार्यकर्ताओं में जोरदार स्वागत भी किया गया। चार राज्यों में विधानसभा चुनावों में प्रचंड जीत के बाद दिल्ली के अंबेडकर भवन में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। चार राज्यों में मिली जीत के बाद बीजेपी की ये बैठक काफी अहम है। संसदीय दल की इस बैठक में पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन पर मंथन हुआ। इसके साथ ही पीएम मोदी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को मंत्र भी दिया। लेकिन आपने देखा होगा, इमरजेंसी, इतनी बड़ी घटना, कोई फिल्म नहीं बना पाया, क्योंकि सत्य को दबाने का लगातार प्रयास हुई हमारे देश में। संसदीय दल की बैठक हुई है, क्या कुछ रहा उस बैठक में? उन्होंने जो जीत हुई है उसके लिए बहुत ही आभार व्यक्त किया उन्होंने, और आगे भी हम लोगों को अच्छा ऐसे ही काम करने के लिए कहा है। हम सांसदों लोगों को, कार्यकर्ताओं के लिए धन्यवाद किया। तो बैठक में बनी 24 की पृष्ठभूमि, कार्यकर्ताओं को मिला संदेश, मोदी ने दिया जीत का मंत्र, हार पर करें विचार मंथन। बीजेपी के संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवादी पार्टियां देश को खोखला कर रही हैं। लोग बीजेपी के विचारों पर इसलिए मोहर लगाते हैं क्योंकि हम वंशवाद की राजनीति के खिलाफ लड़ते हैं। सांसदों और बीजेपी नेताओं को कड़ा संदेश देते हुए पीएम ने कहा, पार्टी में परिवारवाद की राजनीति नहीं होगी। उन्होंने कहा, अन्य पार्टियों के वंशवाद की राजनीति से लड़ने के लिए उससे पहले अपनी पार्टी में वंशवाद से लड़ना जरूरी है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी हमारे नेतृत्व करने वाले, उन्होंने जहाँ कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया इस जीत में, आम जनता जनार्दन का जिस प्रकार से सहयोग रहा, और जनता जनार्दन का जो अटूट विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति, जो आदरणीय मोदी जी के प्रति है, वो सचमुच में उसको और भी आगे कायम करना है। चार राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार आई है, तो प्रधानमंत्री जी सभी सीटों पर गए हों या ना हों, लेकिन प्रधानमंत्री जी तीसरे घर पर खड़े हुए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इसलिए दिखाई पड़े कि केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं, यूपी सरकार का लॉ एंड ऑर्डर और बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निरंतर 5 साल परिश्रम की पराकाष्ठा से पसीना बहाया, उससे कमल खिला है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का वही अंदाज नजर आया। उन्होंने जीत पर उत्साहित ना होकर बल्कि हार पर समीक्षा करने की भी नसीहत दी और आगे के लिए भी पृष्ठभूमि तैयार करने का भी संदेश दिया। अब देखने वाली बात ये होगी कि बैठक के मंथन का बीजेपी के पदाधिकारियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। प्रदेश में भाजपा